हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगर बहुत ज़्यादा सांवला कलर हो चुका है, आप पहले बहुत ज़्यादा गोरे थे लेकिन अभी धूप में जाने इसके वजह से आपके चेहरे पर सनटैन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गया, आपका कलर बहुत ज़्यादा सांवला हो गया है, आपको झुर्रियाँ आ गई है, तो इस रेमेडी में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी कभी भी पूरा फायदा नहीं पहुंचाती। देखिए मैंने यहाँ पर एक बॉल ले लिया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक चम्मच ग्राम फ्लोर लिया है, यानी कि बेसन का आटा। आप सभी जानते हैं कि बेसन का आटा प्राचीन समय से हमारे रंग को निखारने में बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है और ये बिल्कुल हर्बल इंग्रेडिएंट है जिसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। सेकेंड इंग्रेडिएंट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लेमन, यानी कि नींबू। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूँ कि नींबू स्किन वाइटनिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन के पोर्स के अंदर तक जाकर आपकी स्किन में से सारे मेल डर्ट पॉल्यूशन को पूरी तरह से निकाल देता है। साथ ही साथ नींबू में विटामिन सी होता है जिसके कारण वो हमारी स्किन को चमकाता है, स्किन में ग्लो लाता है, पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, अगर झाड़ियाँ हैं तो झाइयों को रिमूव करता है, हमारी स्किन में अगर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं तो दाग धब्बों को रिमूव करता है। हमारी स्किन के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है नींबू का रस। हाँ, अगर आपको खट्टा सूट नहीं होता, किसी किसी को नींबू सूट नहीं होता, स्किन सेंसिटिव है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको ये सूट नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक हो सके आप यहाँ पर लेमन का ही उपयोग करें क्योंकि इसका रिज़ल्ट आपके चेहरे को गोरा करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। हमें इन दोनों को अच्छे से मिला लेना है। अब हम यहाँ पर थर्ड इंग्रेडिएंट लेंगे, वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर भी आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन को फ्लॉलेस बनाएगा, आपकी स्किन में ग्लो लाएगा, आपकी स्किन में निखार लाएगा। कभी कभी क्या होता है कि स्किन गोरी तो होती है लेकिन फिर भी चेहरा बुझा बुझा लगता है, तो चेहरे पर निखार लाने का काम करेगा गुलाब जल। आप अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर गुलाब जल ऐड कर लीजिए एक पेस्ट बनाने के हिसाब से, जितना भी आप लगा रहे हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, इसे ना आप सिर्फ फेस पर बल्कि फुल बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी गर्दन काली है, कोहनियाँ काली है, घुटने या पैर के पंजे, हाथ के पंजे, हाथों पर मैनिक्योर, पैरों पर मैनिक्योर, इसे आप कर सकते हैं। ये आपके हाथों को, पैरों को, गर्दन को, फेस को पूरी तरीके से क्लीन कर देगा, साथ ही साथ आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा वाइट करेगा। आप इसको लगाना कैसे है मैं आपको ये बता दूँ। इस तरीके से अपने फेस पर, गर्दन पर, पैरों पर, पंजे पर, जहाँ भी आप लगाएं, इसे सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है और अच्छे से कम हल्के हाथों से 15 मिनट मालिश आपको लगातार करते जाना है। अभी आप देखेंगे कि पहले ही वॉश में मेरे हाथ पे रिजल्ट कैसा है। उसके पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।